नशा मुक्त पंजाब बनाने के लिए सभी लोगों को, समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। ये विचार जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और एडवोकेट कुलभूषण मन्हास ने साझे किए। साथियों, आज हम एक और बुराई की बात करेंगे जो कि पूरे देश की बुराई बन चुकी है और एक कोड की तरह है, और विशेषकर मुझे कहते हुए थोड़ा सा संकोच भी हो रहा, शर्म भी आ रही है कि नशा पंजाब में बढ़ता गया है और काफी बढ़ चुका है, और पंजाब सरकार अपने लेवल पे काफी कोशिश कर रही है कि नशे को, यदि बुराई है इसको खत्म किया जाए, और नशा तस्करों को अंदर कर रही है, काफी धरपकड़ है, हर तरीके से कोशिश कर रही है। पर मेरा ये कहना है, एज पर माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से नशे के खिलाफ काम कर रहा हूं, और जो अपनी एक हिस्सेदारी है समाज के प्रति कि समाज को ठीक करने में या नशा मुक्त पंजाब बनाने में, उसको अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता आ रहा हूं कई सालों से। एज पर माई एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि पंजाब सरकार अकेले चाहे तो नशा खत्म नहीं हो सकता जब तक कि इसमें लोगों की हिस्सेदारी ना हो। हम सबको, हर व्यक्ति को, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, नशे को खत्म करने के लिए, नशा मुक्त पंजाब को बनाने के लिए अपनी हिस्सेदारी। आमतौर पर क्या देखा जाता है, मैं आम चर्चा करता हूं, कई सेमिनार्स किए हैं सैकड़ों स्कूल कॉलेजेस में मोहल्लों में, तो लोग कहते हैं कि भैया मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, नशा नहीं करते, कंट्रोल में है मेरे। या कई लोग कहते हैं मेरे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, शादीशुदा हो गए हैं, और वो जो उनकी एज थी नशे में पढ़ने की या बिगड़ने की वो निकल चुकी है, तो मैंने क्या लेना देना है, मैं अपने बच्चों पर कंट्रोल करता हूं वगैरह वगैरह। लेकिन मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नशा रूपी कोड है हमारे समाज में, ये किस बंदे को किस रूप में इफेक्ट कर जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। हम बच्चे को घर में तो बंद करके रख नहीं सकते, हम खुद तो 24 घंटे घर में रह नहीं सकते, अल्टीमेटली हमने सोसाइटी में जाना है, और नशे की वजह से क्राइम सोसाइटी में बढ़ता है, क्योंकि जो नशे वाला व्यक्ति होता है नशे की पूर्ति के लिए वो क्राइम करता है, चोरियां, डकैतियां, इवन के मारपीट, मर्डर तक बात चली जाती है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है उसमें नशा एक मुख्य कारण होता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब है स्टेट का, हमारे आसपास का, तो हम कैसे उससे अछूते रह सकते हैं? तो उसको खत्म करना हमारी सबके जिम्मेवारी है अपनी सुरक्षा के लिए। पंजाब सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी अपनी वीडियो में कि पंजाब सरकार ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, बहुत अच्छी कोशिश की है कि जो भी नशा तस्कर है या नशा पीड़ित व्यक्ति है उसका व्हाट्सएप नंबर पंजाब सरकार ने जारी किया, उस पर आप उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करो। लेकिन उसकी पंजाब सरकार एडवर्टाइजमेंट करने में फेल रही है। मैं कई लोगों से बात करता हूं, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा नंबर को जारी किया है। तो पंजाब सरकार ने बड़ी अच्छी कोशिश की है नशा मुक्त पंजाब के लिए, एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिसपे आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे तो आपका नाम, एड्रेस, एवरीथिंग बिल्कुल सीक्रेट रहेगा। तो मैं ये बात दावे से कहता हूं कि अगर सारे बंदे कोशिश करेंगे, आसपास देखोगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति नजर आएगा जो नशे में लिप्त है, पीड़ित है नशा, या नशा तस्करी में इन्वॉल्व है, आपने चुप करके व्हाट्सएप नंबर जारी करना। तो मैं व्हाट्सएप नंबर जो पंजाब सरकार का जारी किया गया है नशा मुक्त पंजाब के लिए, वो मैं आपको बोलता हूं, कहीं को पता होगा, इसको नहीं पता काइंडली नोट कर लीजिए। वो नंबर है 9779100200। ये पंजाब सरकार का व्हाट्सएप नंबर जारी किया हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन है इस पर आप शेयर कर दो। इसके अलावा मैं अपना नंबर भी आपको देता हूं, अगर आप मेरे नंबर पे भी व्हाट्सएप कर देंगे या मुझे कॉल कर देंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी नशा तस्कर बारे में या नशा में जो पीड़ित व्यक्ति है, कोई भी है, उसकी इंफॉर्मेशन मैं पुलिस अफसर्स के पास, अधिकारियों के पास, यस पंजाब सरकार के पास पहुंचाऊं, और आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको टॉप सीक्रेट रखा जाएगा, यह भी मैं आपको अश्योर करता हूं। आपके पास सारे ऑप्शन है। मेरा नंबर है 9878650129। तो मैं सबसे विनती करता हूं हाथ जोड़ के कि समाज को ठीक करना है, अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हो, अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हो,
तो नशा मुक्त पंजाब बनाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दो। और मैं दावे से कहता हूं, आपको यकीन दिलाता हूं, सबकी भागीदारी थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाएगी और जो नशा मुक्त पंजाब का सपना है हमारा रंगला पंजाब द्वारा से बने, वो विद इन 3 मंथ्स नशा मुक्त पंजाब बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।